हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम सब ने दो वर्णों वाले बिना मात्रा के शब्द की रीडिंग की और तीन वर्णों वाले बिना मात्रा के शब्द की रीडिंग कर लिए हैं। और आज हम रीडिंग करेंगे लेसन फोर, चार वर्णों वाले बिना मात्रा के शब्द। तो आइए पढ़ते हैं और समझते हैं, साथ में पिक्चर्स भी पहचानते हैं। आइए, बा प्लस रा प्लस गा प्लस दा इक्वल बरगद। किसका डायग्राम है? बरगद का पिक्चर है। अगेन रीडिंग करिए, बा प्लस रा प्लस गा प्लस दा इक्वल बरगद। ये हमारा शलजम का चित्र है, सबने देखा होगा। शा प्लस ला प्लस जा प्लस मा इक्वल शलजम। शा प्लस ला प्लस जा प्लस मा इक्वल शलजम। आ प्लस दा प्लस रा प्लस का इक्वल अदरक। सभी के घरों में अदरक आती है, सबने देखा होगा इस चित्र को। अदरक है ये हमारा, जो चाय में डाली जाती है। आ प्लस दा प्लस रा प्लस का इक्वल अदरक। थर्मस, इस चित्र को तो सभी बच्चे पहचान रहे होंगे, सभी स्कूल में लेके आते हैं ना पानी, इसमें थर्मस में, ये वही चित्र है थर्मस। था प्लस रा प्लस मा प्लस सा इक्वल थर्मस। था प्लस रा प्लस मा प्लस सा इक्वल थर्मस। ये हमारा अजगर का चित्र है। आ प्लस जा प्लस गा प्लस रा इक्वल अजगर। ये हमारा खटमल का चित्र। खा प्लस टा प्लस मा प्लस ला इक्वल खटमल। बा प्लस रा प्लस ता प्लस ना इक्वल बर्तन। ये हमारा देखिए बर्तन का चित्र है, सभी ने देखा, सभी घर में बर्तन हैं। बा प्लस रा प्लस ता प्लस ना इक्वल बर्तन। का प्लस टा प्लस हा प्लस ला इक्वल कटहल। ये हमारा कटहल का चित्र है। कटहल क्या होती है? सब्जी है। का प्लस टा प्लस हा प्लस ला इक्वल कटहल। ये हमारा कुर्ता है, कुर्ते को हम लोग अचकन भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, अचकन। आ प्लस चा प्लस का प्लस ना इक्वल अचकन। सर्कस का चित्र। सा प्लस रा प्लस का प्लस सा इक्वल सर्कस। देखिए हमारा उपवन का चित्र। उ प्लस पा प्लस वा प्लस ना इक्वल उपवन। पनघट का चित्र, जहाँ पर हम पानी भरते हैं कुएं से, उसे हम पनघट कहते हैं। पा प्लस ना प्लस घा प्लस टा इक्वल पनघट। पा प्लस ना प्लस घा प्लस टा इक्वल पनघट। ओके, ये देखिए हमारा शरबत का चित्र। शा प्लस रा प्लस बा प्लस ता इक्वल शरबत। शा प्लस रा प्लस बा प्लस ता इक्वल शरबत। ये देखिए हमारा तरकस का चित्र। ता प्लस रा प्लस का प्लस शा इक्वल तरकश। ता प्लस रा प्लस का प्लस शा इक्वल तरकश।
नेक्स्ट पेज पे देखिए हमारा, इन शब्दों को जानते हैं और रीडिंग करते हैं। शलजम, शलजम, चार अक्षर के शब्दों को कैसे रीडिंग करते हैं आइए ये भी समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर शा ला जा मा लिखा हुआ है ना, क्या बन गया शलजम। तो पहले हम इधर के दो वर्ड पढ़ते हैं शल, फिर इधर के दो वर्ड पढ़ते हैं जम, तो मिला क्या बन जाता है शलजम। ओके, जैसे देखिए ये क्या लिखा हुआ है, शा रा ग म, तो पहले इधर का सर फिर इधर का गम, तो क्या बन गया सरगम। इस तरह रीडिंग करते हैं, पहले इधर के दो वर्ड बोलते हैं फिर इधर के दो वर्ड बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर टा मा टा म, टम टम, ऐसे रीडिंग की जाती है। इस तरह आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। पा न घ ट, पन घट, पा च प न पच पन, आ न श न अन शन, आ ट क ल अट कल, आ क ब र अक बर, हा स र त हस रत, श र ब त शर बत। ओके, समझ में आया कैसे रीडिंग करते हैं, पहले इधर के दो वर्ड बोलिए शर, फिर इधर के दो वर्ड बत शर बत। मैंने कुछ शब्द की रीडिंग इसमें की है, इसी तरह आप लोग सभी शब्द की रीडिंग करिएगा। नेक्स्ट पेज पर 31 पेज की रीडिंग करते हैं हम। रहमत, रहमत, उठ कसरत, कसरत कर, रहमत उठ कसरत कर। शबनम, शबनम, चल उबटन, उबटन मल, अचकन, अचकन पहन, झटपट, झटपट कर, थरमस, थरमस पकड़, शरबत चख, शरपट जा, कटहल ला, पनघट चल, बर्तन भर, अकरम नटखट मत बन, अकबर चलकर, अचकन पहन, बन ठन कर, झटपट चल, मखमल पर कदम रख, थर्मस इधर मत रख, कटहल रख कर, परवल चख, उपवन चलकर, कसरत कर। मैंने 31 पेज नंबर रीडिंग की है, आप लोग पेज नंबर 32 की रीडिंग खुद से करिएगा जैसे मैंने पीछे समझाया है। ओके।